नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई पेपर्स में दोस्तों सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रोर केला स्टील प्लांट में आई और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी निकाली है ये वैकेंसी आपकी बोलानी और माइन बारसोन आयरन माइन एंड काल्टा आयरन माइंस में निकाली गई है अगर बात करें हम डिप्लोमा की तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वायर ऑपरेटर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 है और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है ये दोनों वैकेंसीज डिप्लोमा होल्डर के लिए है आईटीआई के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसीज है जिसमें इलेक्ट्रीशियन की ट्वेंटी फाइव की ट्वेंटी इलेक्ट्रॉनिक्स की टेन मैकेनिस्ट की टेन डीजल मैकेनिक फॉर माइंस ओनली चार कोपा आईटीआई फॉर माइंस ओनली थ्री एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एस सी कैंडिडेट को पांच साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को थ्री इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं उस केस में आपको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट को जनरेट करना होगा और ये सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिलअप के टाइम अपलोड भी करना होगा अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगी एस सी एस टी में आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 13 की इन केस आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं और फिजिकली डिसेबल्ड है तो आपको वही जनरल कैटेगरी की टेन ईयर का एज रिलेक्सेशन मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें ऑपरेटर कम टेक्निशियन बॉयलर के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम एटीन होनी चाहिए मैक्सिमम थर्टी ईयर होनी चाहिए और इसमें जो आपको क्वालिफिक चाहिए टेन पास आउट विथ थ्री ईयर ऑफ फुल डिप्लोमा यानी कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और डिप्लोमा की जो ट्रेड हो सकती है वो मैकेनिकल हो सकती है इलेक्ट्रिकल हो सकती है केमिकल हो सकती है पावर प्लांट हो सकती है प्रोडक्शन हो सकती है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो सकती है और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है वहीं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में जो आपकी एज लिमिट है वो एटीन टू ट्वेंटी एट ईयर है इसमें भी आपका सेम टेन प्लस थ्री ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड इसमें जो आपको सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपके पास मिनिमम एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपका एस सिस्टम एल एंड मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन एस मशीनरी इक्विपमेंट एंड गैजेट इनसाइड आउटसाइड प्लांट बिल्डिंग इंक्लूडिंग ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन केबल्स ट्रांसफॉर्मर सर्किट ब्रेकर पैनल स्विच बोर्ड एंड देयर एसेसरीज एंड अलाइड इक्विपमेंट यानी कि आप किसी भी इन सारी फील्ड में से किसी में आपका एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है वही बात करें हम आई आई की जो एज लिमिट है वो 18 टू 28 एट ईयर है टेंथ विद आई यानी कि आप टेंथ पास और आई का आपके पास फुल टाइम का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो ट्रेड गिवन है इसमें इलेक्ट्रीशियन पीटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डीजल मैकेनिक एंड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनमें से आप किसी एक ट्रेड में क्वालिफाइड या पास आउट होने चाहिए इन केस अगर आपका सर्टिफिकेट 16 बारह 2023 यानी कि 16 दिसंबर 2023 तक जनरेट नहीं होता है तो आप डिप्लोमा पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है अगर आप बॉयलर ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको बॉयलर सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है जब आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे उस केस में भी आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है अगर इसकी बेनिफिट की बात करें तो आप एस ग्रेड में आपका जो पे स्केल होगा वो हजार से लेकर बीस तक होगा इसमें आपकी बेसिक पे इंडस्ट्रियल डी अलाउंस पर क्वेश्चन अंडर क्रेपिटेरिया अप्रोच एंड अदर अलाउंस कंट्रीब्यूटरी पी एफ ग्रेजुएटी एस पर ग्रेजुएटी एक्सेट्रा फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ये सारे बेनिफिट आपके साथ इसमें इंक्लूड होंगे अगर हम अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें आपको दो साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और फर्दर ये दो साल तक और एक्सटेंड करी जा सकती है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आपको बारह हजार नौ सौ रूपए मिलेंगे और सेकेंड ईयर आपको पंद्रह हजार रूपए मिलेंगे इसमें भी आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज लीव एक्सेट्रा प्रोवाइड करी जाएगी जब आप ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कम्पलीट कर लेंगे उस केस में आपका ग्रेड एक्सपन हो जाएगा जिसमे आपका पे स्केल ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी फाइव तक हो जाएगा और जो टोटल सीटीसी बनेगा दोस्तों एस थ्री ग्रेड के लिए वो टेन पॉइंट बनेगा ये आपका रोड सी है यानी कि इसमें लोकेशन बेस्ड अलाउंस और कैटेगरी स्पेसिफिक अलाउंस ऐड नहीं करा गया है सेम एस वन में नाइन पॉइंट नाइन लैख का अप्रोक्स जी सी बनेगा इसमें भी आपका लोकेशन बेस्ड अलाउंस और कैटेगरी स्पेसिफिक अलाउंस को ऐड नहीं करा गया है अगर हम सिलेक्शन की बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इन हिंदी और इंग्लिश सीबीटी में हंड्रेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें पचास आपके टेक्निकल नॉलेज के यानी कि जो आपने ट्रेड सेलेक्ट करी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डीजल मैकेनिक उसके क्वेश्चन होंगे और पचास जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे डेढ़ घंटे का आपका पेपर होगा नाइनटी मिनट्स का और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपके सीबीटी में वो फिफ्टी परसेंट होने चाहिए फॉर अनिजर्व जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिकल वीकर कैटेगरी के लिए एंड फोर्टी आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर के लिए होने अनिवार्य है जो भी कैंडिडेट सीबीटी को क्वालिफाई करेगा या शॉर्टलिस्ट लिस्ट होगा उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट करा जाएगा जितने भी कैंडिडेट कट टॉप मार्क्स को क्वालिफाई करते हैं वो सारे एलिजिबल होंगे स्किल टेस्ट देने के लिए और स्किल टेस्ट और टेस्ट को केवल आपको क्वालिफाई करना है जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें आपका जो वेटेज सीबीटी में जो आपने स्कोर करा है उसका पूरा हंड्रेड परसेंट होगा यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो पूरा आपका सीबीटी की मेरिट लिस्ट पे बनेगा फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप मेल है तो आपकी हाइट वन सेंटीमीटर होनी चाहिए वेट आपका फोर्टी फाइव होना चाहिए चेस्ट मेजरमेंट सेवेंटी एंड 79 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन यानी कि 79 सेंटीमीटर तब जब आप अपनी छाती को फुला के रखते हैं फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए 35 फाइव के जी आपका वेट वेट होना चाहिए 70 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए विजुअल पैरामीटर की बात करें यानी कि आंखों की, की दृष्टि की बात करें तो आपका जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए छह बाय बारह विदाउट ग्लास यानी कि बिना चश्मे के आपका इतना विजन होना चाहिए नियर विजन आपका जे और एन फॉर बोथ बोताइस और जो आपकी ग्लास की पावर होनी चाहिए उस केस में प्लस माइनस और से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए अगर आप कलर ब्लाइंड है तो इस केस में आप डायरेक्टली डिस्कालीफाई हो जाएंगे तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि आप क्लर्ब ब्लाइंड ना हो और जो आपकी सुनने की क्षमता होनी चाहिए वो आपकी अराउंड थर्टी डीबी होनी चाहिए यानी कि थर्टी डॉपली सुन सके किसी भी साउंड को एप्लीकेशन फीस में अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यू एस कैंडिडेट है तो फाइव हंड्रेड रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी इसमें इंक्लूडेड दोस्तों और अगर आप बात करें एस सी एस टी बी डब्ल्यू डी और ई एस एम यानी की एक्स सर्विस मैन तो उस केस में आपको वन फिफ्टी रुपीज पे करने हैं ये डिप्लोमा की बात हुई आई के लिए आपको थ्री हंड्रेड रुपीज पे करने हैं और जनरल ओबीसी एंड सी एन ईडब्ल्यू एस एस सी एस टी फिजिकली डिसबल्ड और ई एस एम के लिए आपको हंड्रेड रुपीज पे करने हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका डिफरेंट सिटीज में होगा वो सिटीज हम जब हम फॉर्म को फिलअप करेंगे उस टाइम देख लेंगे कि कौन कौन सी सिटीज आपकी अवेलेबल है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है फिलहाल अभी फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो ट्वेंटी नवंबर है तो आप बीस नवंबर से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं बाकी ये सारा फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर है जिसको हम उस टाइम कवर करेंगे जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे आपको कोई भी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे मतलब आपको स्वयं ही सारा खर्चा वहन करना होगा और जो उसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप करने की 20 नवंबर है और क्लोजिंग डेट इसकी सिक्सटीन दिसंबर यानी कि आपके पास ट्वेंटी फाइव डेज है सो so दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन का सार फॉर्म फिलअप हम ट्वेंटी नवंबर को करेंगे और उसमें आपको पूरा इजीली समझा देंगे कि फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिलअप करना है सो so दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग